नमस्कार, मैं कमर अफजल एसएस नेशनल में आपका स्वागत करता है। आज बेनीपुरी जी का रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जयंती है, उसी शुभ अवसर पर हम लोग उनके नाम से खुले रामवृक्ष बेनीपुरी पब्लिक स्कूल में आप लोग का स्वागत करते हैं। साथ ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताते चलते हैं, वह हिंदी के महानायक थे। उनका गद्य लोक पढ़ के काफ़ी पदचिन्ह पे चल के आगे काफ़ी विकास किए, साथ ही वो पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक समाज सेवी थे। उन्हीं के नाम पर एक स्कूल खुला है रामवृक्ष बेनीपुरी, उनके गांव के समीप है। हम उनके जो प्रिंसिपल है स्नेहा मैम जी, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे स्कूल खोलने का क्या मकसद है। जी नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा हुआ। स्कूल, जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा है कि स्कूल खोलने का उद्देश्य, स्कूल खोलने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों में, हर घर में शिक्षा हो। शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, बच्चे हो, हमारे हो, दूसरे को, गांव। शिक्षा होगा तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य और हमारे देश भी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वही दहारा है। इसीलिए गांव में एक पब्लिक स्कूल खोला गया है, जिसके तहत यहाँ जो लड़कियाँ जो शिक्षा से महरूम रह जाती थी, आज वो गांव में ही स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपने देश को, अपने गांव को, नाम को रोशन करना चाहता है। साथ ही जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो शहर में नहीं जा पाते थे या वो फी बियर नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक सस्ता सुविधा देना। जैसे कि बात करते हैं शिक्षा के लिए, यहाँ अगर हम पूरे इलाके में घूमेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि शिक्षा की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, जिस तरीके से उनके बच्चे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे अगर उनके माँ बाप अगर मजदूर हैं तो ठीक है, वो मजदूरी उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके जो बच्चे हैं, ताकि वो कुछ शिक्षा ऐसा ले सके ताकि उन्हें आगे जीवन में मजदूरी ना करना पड़े, आगे बढ़ के वो भी कोई एक अच्छा व्यक्ति बने, जैसे हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे जो आगे बढ़े, जिन्होंने देश में नाम रोशन किया। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि यहाँ इस गाँव के, बेनीपुरी गाँव के प्रत्येक बच्चे शिक्षित हो, अच्छे हो, समझदार हो। और ये जो गांव की लड़कियां हैं, जो शहर में नहीं जा पाती थी, खास करके उनके लिए ये स्कूल काफ़ी बेनिफिट रहा है। उसके लिए आप लोग क्या स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? यहाँ लड़कियों के शिक्षा के लिए आप मानिए तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा, जो लड़की बाहर मुजफ्फरपुर या फिर समझिए कि सैदपुर भी उनके लिए दूरी पड़ता है, जाना सुरक्षा नहीं है, अभी सुरक्षित नहीं है। आज का जो माहौल है उसको देखते हुए यहाँ उन्हें हर सुविधा मिल रहा है। यहाँ हमारे स्कूल में डांस के टीचर आते हैं, सिंगिंग के टीचर आते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लैब की भी सुविधा है। जो बच्चे चाहते हैं कि DCA करे, टैली करे, कंप्यूटर में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, यहाँ हर एक चीज़ का उपलब्ध है। हर एक टीचर भी यहाँ है, जिनको वो रोज़ सिखाते हैं, क्लास होते हैं, हर एक छोटे बच्चे डांस सीखते हैं, जो कि आज हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक हर एक बच्चे ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और अपना प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही हम सर से जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में सर, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। इस शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम हमारा ये चल रहा है कि जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हम पैसे लेकर के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। और जो जिनके गार्जियन, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल असमर्थ है देने में, वैसे बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी देते हैं। सर का कहना है कि जो BPL परिवार से आते हैं या अंत्योदय परिवार से आते हैं, जिनको फंड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, टैलेंट के बेसिस पर जैसा वो मार्क्स लाते हैं उस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है। मेरा कहने का मतलब था कि ये पढ़ाई के साथ साथ अन्य किस प्रकार का जो सर्वांगीण विकास होता है उस पर क्या चल रहा है? सर्वांगीण विकास मतलब प्रतियोगिता, जैसे हर प्रतियोगिता नवोदय स्कूल की तैयारी भी कराई जाती है। जैसे हम पिछले सेशन में हमारे यहाँ से एक नवोदय के छात्र भी हमारे यहाँ से निकले हैं, जो शिवम कुमार नाम, शिवम झा अथरी जी, 10th है, CBSE मोड है। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। और थोड़ी देर में हम दिखाएंगे कि स्कूल में जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, प्रतियोगिता हो या वो स्पीच हो, इन सब सभी को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
साधा।
समय प्रयास करता रहेगा ताकि एक बढ़िया शिक्षा वातावरण तैयार किया जा सके। तो अब बहुत लेट हो चुका है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। इसी के साथ धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम आप लोग देखिए। थैंक यू। Thank you. Next performance. Please help me welcome down. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।